एक बड़ी खबर आपको गुजरात से बताते हैं, जहां पर नए वायरस से दो दिन में 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। और ऐसे इतना ही नहीं, चांदीपुरा नाम के वायरस से जो है बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात के साबरकांठा अरावली में नए वायरस की एंट्री हुई है। वायरस के सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे जा चुके हैं। तो इस खतरनाक वायरस से किस तरीके से गुजरात में हड़कंप फिलहाल मचा हुआ है, इसे समझिए। खबर यह है कि गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि साबरकांठा और अरावली जिले में ये वायरस पाए गए हैं। वायरस की वजह से बच्चों के दिमाग में सूजन हुआ है। और आपको बता दें कि जांच के लिए 6 सैंपल फिलहाल पुणे की लैब में भेज दिए गए हैं। तो एक ऐसा वायरस जिसने दो दिन में 5 बच्चों की जान ले ली है, अब इस वायरस के बारे में और भी जानकारी जुटाई जा रही है, इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना के बाद गुजरात में नए वायरस की एंट्री से हड़कंप मच गया। चांदीपुरा नाम के इस नए वायरस से गुजरात में दो दिन में 5 बच्चों की जान चली गई। बच्चों की मौत साबरकांठा सिविल अस्पताल में हुई। ये वायरस गुजरात के साबरकांठा और अरावली जिलों में पाए गए हैं। नए वायरस के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है और बच्चों में मिले सैंपल की जाँच के लिए पुणे के लैब में भेजे गए हैं। बताया गया कि इस वायरस से संक्रमित बच्चों के दिमाग में सूजन पाई गई है। फिलहाल बच्चों पर इस वायरस ने कैसे असर दिखाया, इसके लिए बच्चों में मिले वायरस के 6 सैंपल पुणे भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस वायरस की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बैठक भी की है और अब पुणे भेजे गए सैंपल के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं साबरकांठा और अरावली जिले में इस वायरस को लेकर सर्वे भी किया जा रहा है।